आपका क्लास 10 का जिसका पार्ट 2 जा रहा है आपको, ये फिजिक्स में ही लेसन 3 कहा जाता है, यूनिट भी अलग है। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा। विद्युत धारा अंग्रेजी में आप इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये हेडिंग है। पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि विद्युत परिपथ जो आपकी थी, विद्युत परिपथ, उसमें आवेश पढ़ रहे थे आप। आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार क्या होते हैं। अब इसमें देखेंगे आप कि जैसे कोई चालक है आपका, और किसी चालक में अगर आवेश मूव करते हैं, है ना, तो उसमें एक नई चीज बनती है और उसे हम कहते हैं वैद्युत धारा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो चालक में आवेश का प्रवाह दर है वही विद्युत धारा को बनाता है। यानी विद्युत धारा की परिभाषा आप लिख सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित आवेश के समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आई से व्यक्त करते हैं तो आई बराबर हमारा होगा आवेश बटे समय। ठीक है, आवेश बटे समय यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ये क्लियर हो गया आपको? तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? मात्रक हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, तो वैद्युत धारा का मात्रक, मात्रक में बहुत कुछ नहीं जाना जाता है। जैसे अगर हमारा ये जो आपका लिखा हुआ है आवेश बटे समय, तो आवेश का मात्रक हम बताए थे कि कूलाम होता है, बटे प्रति सेकंड, है ना, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन इसको ये मूल मात्रक में से आता है, तो मूल मात्रक में आता है तो मूल मात्रक में इसका जो नाम होता है इस उसका होता है एम्पियर। ये है एम्पियर, कहा जाता है इसको, इसके मात्रक को। ठीक है, यानी वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्लियर हो गया आपको? एक चीज और भी जान लीजिए कि विद्युत आवेश से बनता है, है ना, विद्युत आवेश के प्रवाह से बनता है। अगर आप चाहें तो ये और भी चीज सीख सकते हैं, एक आपका नोटिस कह लीजिए या बड़ी जानकारी कह लीजिए। जैसे ये आपका चालक है, ठीक है, ये आपका चालक है, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पहले से ही रहते ही हैं इसमें, हर चालक में इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, आवेश होते हैं, और आवेश की मूविंग से ही धारा बनती है। तो याद रखिएगा, अगर आवेश चालक में माइनस क्यू अगर आवेश चलता है, तो जो धारा बनती है उसकी दिशा आवेश प्रवाह के विपरीत बनती है, यानी धारा ऐसे बनेगी चालक में। अगर ये ए बी चालक है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश यदि ए से
बी की ओर चले, है ना। तो चालक में जो धारा होगी, चालक में जो धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा हो चालक में धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी, की ओर चलेगी, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या उत्पन्न होगी। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम दूसरी कंडीशन में समझें तो हम एक और बना लें, और इसमें हम ये तो क्यों को चला रहे थे, इसमें हम अगर धन आवेश को चलाएं, ये ऋण आवेश था, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, ये धन आवेश को कर चलाएं ए से बी की ओर, तब देखिए क्या होता है। तो अब इस कंडीशन में जो होगा हमारा, कि जब आवेश हमारा आवेश ए से बी की ओर चलता हो, बी की ओर चले, है ना, तब याद रखिएगा, अब ये धन आवेश की बात है, धन आवेश, है ना, धन आवेश अगर ए से बी की ओर चलता है तब चालक में धारा जो होती है, चालक में धारा ए से बी की ओर ही बनती है, ए से बी की ओर ही चलती है, है ना। सब मिला के आपको एक कंडीशन मिला कि ऋण आवेश जिधर चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, यानी आवेश के चलने के विपरीत दिशा में, ऋण आवेश के चलने के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, और अगर धनावेश चलता है तो उसके चलने की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अब हमने आवेश को क्लियर कर दिया, आपके धारा स्टेज क्लियर कर दिया। अब एक चीज और जान लीजिए, जो अभी आप पढ़े हैं आई बराबर क्यू बाई टी, है ना, इससे एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, मतलब एक एम्पियर वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी, है ना, डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, इसकी परिभाषा क्या होगी आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली क्या बात है वो आप देख लीजिए, जो हम ये सूत्र देख रहे हैं इसी सूत्र पर हम परिभाषा अपना बनाते हैं। जैसे I बराबर हमारा Q बाई टी है, अगर हम इसे एक चाहते हैं, एक एम्पियर चाहते हैं, है ना, एक एम्पियर चाहते हैं, तो आवेश को एक कूलम लेना होगा और समय क्या होना चाहिए, एक सेकेंड, है ना। तो हम लिख सकते हैं एक एम्पियर की परिभाषा में कि यदि किसी चालक में एक कूलम आवेश को एक सेकंड तक प्रवाहित करें या प्रवाहित हो तो चालक में उत्पन्न धारा, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा एक एम्पियर होगी, ये आपकी परिभाषा होगी। क्लियर हो गया। यानी अगर एक एम्पियर की धारा हमें बनानी है तो किसी भी चालक में, जैसे ये चालक है आपका, आप चाहते हैं कि इसमें एक एम्पियर की धारा बने, एक एम्पियर की धारा हम चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें इसमें इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश को एक सेकंड तक प्रवाहित करना होगा, यानी एक कूलम प्रति सेकंड की दर से अगर आवेश चलेगा तो उसमें धारा एक एम्पियर की बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको। अगला हम लोग ये देखते हैं कि वैद्युत धारा जो होती है आपकी, विद्युत धारा, इसे परिपथ में नापते कैसे हैं,
इसे परिपथ में कैसे मापा जाता है? है ना, याद रखिएगा, जो वैद्युत धारा आपकी है उसे परिपथ में हम नापते हैं। कैसे नापा जाता है? तो इसे नापा जाता है एमीटर से। ये यंत्र है ना, जिससे हम वैद्युत धारा को नापते हैं। और इस यंत्र को अगर हमें यूज करना होता है कि हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि आपकी सर्किट बनी हुई है ना, हमने सेल दिखाया है, तो सेल में जब भी धारा बनती है तो यहाँ धन से निकलती है और ऐसे जाती हुई आपको यहाँ तक पहुँचती है। और इसी में अगर हम इस वैद्युत धारा के मान को नापना चाहते हैं तो इसी के श्रेणी क्रम में हम एमीटर को जोड़ देते हैं, है ना। याद रखिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्रम में जोड़ा जाता है, है ना, ठीक है। यानी वैद्युत धारा नापी जाती है एमीटर यंत्र से। ये यंत्र है, याद रखिएगा, इस यंत्र की सहायता से हम किसी चालक में धारा का मान मापते हैं और इसे लगाया जाता है, एमीटर को लगाते हैं परिपथ में श्रेणी क्रम में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और भी एमीटर होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है। चल कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी, या और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक और चीज़ देख लीजिए आप कि अगर हम धारा को नाप रहे हैं तो उसी तरह विभवांतर भी नापेंगे, ठीक है। चलिए इसके एक न्यूमेरिकल आपको हम दे देते हैं। 4 कूलाम आवेश परिपथ में 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है। परिपथ में धारा कितनी उत्पन्न होगी? ठीक है, देखिए आवेश 4 कूलाम का है, दिख रहा है ना, आवेश कितने कूलाम का है? 4 कूलाम का, यानी क्यू का मान कितना है? 4 कूलाम। और कितने सेकंड तक चल रहा है? 2 सेकंड तक। तो धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर क्यू बाई टी। तो I बराबर क्यू का मान कितना लेंगे? 4। टी का मान कितना लेंगे? 2। तो I बराबर हो जाएगा, काट देंगे तो 2, यानी 2 एम्पियर की धारा उस परिपथ में बनेगी। क्लियर हो गया। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप इसको एक बार कोशिश करिएगा कि यदि एक इलेक्ट्रॉन चालक में 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो कितनी धारा परिपथ में बनेगी या मिलेगी? तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन, यानी क्यू बराबर एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है हमने बताया था इतना कूलाम, और समय कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। आप I बराबर Q बाई टी लगा के हल करेंगे और ये मान Q का रखेंगे।